हैं आप जावेद अहमद अब की बार जीत जाएंगे इंशाल्लाह जीत का पार गाड़ी टक्कर किससे जावेद अहमद भाई बीजेपी टक्कर सबसे आगा जाएगा भाई इंशाल्लाह दुआ है तमाम पब्लिक की और अच्छा नेता है बढ़िया गरीबन को साथ देता है बढ़िया है 2014-2019 में जावेद अहमद तीसरा नंबर पर रह गए थे कारण क्या था आपके भाई ऐसे पब्लिक है ना आपके तो इंशाल्लाह पार है और ऊपर आला नीचे बल्ला क्या बात है आपने जो बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं उसमें तो दम होता ही है पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2014 और 2019 में कैसे किस तरह हार होगी थी भाई जब यहाँ ना भाई मना है ना हार आपके यहाँ पे प्यार है छोटा से बड़ा से सबका प्यार है रूसा मनाया होगा हाँ, मनाया और सब प्यार से है अब यहाँ पे प्यार है से करा जैसे छोटा सा बच्चा पे 2014-19 की चलो आपने बात बताई रूसा मनाया नहीं हुआ था अबकी बार रूसा मनाया हो गया पर अगर मैं बात करूँ सोना से ताउड़ू तक के जो सड़क है वो डबल रोड है उस फोर लेन होनी चाहिए थी पिछले 10 साल में क्यों ना हो पाई वो फोर लेन भाई हमारा कोई नेता तो हो नहीं और हमारी कोई माने नहीं नहीं हमारा तो 4 लेन को हो रो आपके इंशाल्लाह जिता दे तो पार है तो 8 लेन को होएगा 8 लेन बढ़ जाएगी हाँ 8 लेन बढ़ेगी इंशाल्लाह अपने मेवात की बात करा तो नेता इतना सारा आवे है हमेशा कहवे है कि अब की बार तो सीटी बजाई दूंगो रेल की नहर लेके आ जाऊंगा जाएगी गाड़ी ऐसे जाएगी गाड़ी इंशाल्लाह 2014-2019 में वो तीसरी बार रहा था अब की बार कौन सा पायदान पर होगा इंशाल्लाह अब की बार नंबर 1 पे रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वोटर कम से कम 30,000 वोटर से विनिंग हो रहा भाई जावेद अहमद जेजेपी है इनेलो है कांग्रेस है और बीजेपी है और आम आदमी पार्टी इन्होंने किसी भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो के कारण तो टिकट जावेद अहमद मांग ही नहीं रहा था या वास्तव में इन्होंने अनदेखी करी है सर असल बात है हमारे जो मुस्लिम वोटों को इन्हें ना अपने हमारा अपना अपना यूज करते हैं इसलिए ये सोच रहे हैं चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है चाहे जेजेपी है क्या मुस्लिम हमारे लिए वोट दे देंगे इसलिए हमारे टिकट अनदेखी करिए जी हमारे जावेद के लिए जी नहीं पिछली बार 30 नंबर ने काफी वोट लिए थे जी और इंशाल्लाह अब की बार नंबर 1 पर रहेगा और मैंने पहले बात की कम से कम 30,000 वोटों से विनिंग रहेगा हमारे इस इलाके में जी पूरे सोना विधानसभा में जी सोना विधानसभा मेरे साथ आप जो पीछे क्राउड देख रहे हैं लोगों का ये जावेद अहमद के साथ है इनको देख लीजिए और इतना प्यार और इतना उत्साह है इन लोगों के अंदर जावेद अहमद के प्रति कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने भीड़ देखी मैंने कहा कौन किसका काफिला है ये तो उन्होंने कहा कि जावेद अहमद का काफिला है मैंने कहा इतना तगड़ा जावेद अहमद का काफिला और वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी का तो एक बहुत बड़ी बात होती है मैं एक बात पूछना चाहूंगा जैसे इनसे पूछा मैंने कि भाई अपने बीजेपी है कांग्रेस है इनेलो है बसपा है जेजेपी है आम आदमी पार्टी है इन सब ने क्यों एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया ऐसा क्या है मतलब दुहात हुआ आपके साथ या नहीं हुआ ये मुस्लिम लेके ये समझते हैं कुछ भी ना है ये लड्डू में बक जाएंगे और हमारे जावेद को भी ना दिया नहीं हमारी कितनी वोट है ना तो बीजेपी ने दियो टिकट ना हमारे कांग्रेस ने दियो हमारे इंशाल्लाह भाई की है दुआ इन सब पार है अब की बार एक कहावत है लड्डू सब फोड़ दोगा इनका हाँ लड्डू सब फोड़ देंगे लड्डू सब फोड़ दोगा इनका इंशाल्लाह नाम क्या अपना अली जी का नाम अनिल जी अपने जावेद जी लड़ रहा है चुनाव शुरुआत से समीकरण में जावेद जी फाइट में कारण क्या है सो देखो जी ये 3-4 चुनाव लड़े है तीसरा चौथा चुनाव है जी तो मतलब है वो बाकी चुनाव तो नहीं जीत पाए भाई ना माना मत ना जीत पाए ना कुछ मतलब कुछ जो जो टाइम लगे जो विचार लगे ही है जी पब्लिक को कुछ रुझान बन जाए पब्लिक का तरस खा तरस भी आ जावे जी बहुत परेशान कई चुनाव हार लियो अब की बार कहीं ना कहीं वो सद्भावना है आपके कुछ टाइट पने से लगे पड़े हैं जी टक्कर किससे मान रहे रोहतास कटाना से बीजेपी से या कल्याण सिंह चौहान से हम बीजेपी से मान रहे हैं और हमारा समर्थन इंशाल्लाह 36 बिरादरी का हमारा जावेद का बल्ला पलक 36 बिरादरी का हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट के जो विधायक थे संजय सिंह बीजेपी से थे वो हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों ने वोट दी थी उसके लिए उसने भी कुछ नहीं किया ना वो हमारे यहाँ किसी के दुख सुख में शामिल हुआ क्यों वोट दें हम किसी को हमारा जावेद अहमद हमारा भाई है हमारा बीच का है और वो हर बिरादरी की
समस्याओं को साथ लेके चलता है और उसका वो सब सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए यहाँ की जनता ने ठाना है जावेद अहमद को जिताना है। हमारे 95,000 वोट हैं और हमारी लड़ाई राज सुबह, हमारी ना भाई जाट सो ना हीर सो ना गुजर सो, हमारी सरकार से लड़ाई है। हमको कोई टिकट ना दियो, किसी को भी टिकट ना दियो, ना शमसुद्दीन को दियो, ना सईदा खान को दियो, ना जावेद को दियो, ना धारीवाल को दियो, हम ना काय को ना दियो, ना भाई जाट को दियो, ना कहीं हीर। हमारी लड़ाई किसी से ना है, हमारी तो सरकार से लड़ाई है। इंशाल्लाह हमारी 36 बिरादरी जावेद के साथ है, जावेद के समर्थन में पूरा इलाका है, 36 बिरादरी है। मेव कौम की बात नहीं है, जितने भी हिंदू मुसलमान हमारे बीच में रह रहे सारे हैं। इलेक्शन हमारा आर पार है, कोई रोकने वाला नहीं है और हमारे यहाँ जातिवाद का कोई इलेक्शन नहीं है। टक्कर किससे मान रहे जावेद की? टक्कर मैं तो हम तो बीजेपी से मान रहे हैं, रोहतास खटाने का हमारा कोई टक्कर नहीं है भाई। अब के हम तो जावेद के जानसूर मानसूर सब सुखे और इंशाल्लाह पार करेंगे, बिल्कुल जिताएंगे। 36 बिरादरी को नेता यही है, यही सुनाई करे और कोई ना करे। मिस्टर बाबू जी कह रहा था कि ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला, ये काम हो रहा है, जीतेंगे इंशाल्लाह। नाम क्या अपना? चौधरी सचिन कुमार तोमर। सचिन तोमर जी, जावेद जी को आशीर्वाद देने आए हो क्या? बिल्कुल, मेरा विधायक जीत गया, जीता हुआ है और विधायक बन चुका है MLA। देखिए नौकरी का पक्का वादा जुबान दी। जी हमारी कोई ना हीर सो ना जाट सो काई सो लड़ाई नहीं है जी, और हमारी है, मतलब हरियाणा सरकार से लड़ाई। क्या लड़ाई है? ये लड़ाई है जी, एक धारीवाल है जी हमारे कैंडिडेट इधर, एक डॉक्टर शमसुद्दीन इधर, और एक मतलब चौधरी सईदा खान है जी, एक इधर मतलब ये जावेद भाई है। इन्हें किसी ने भी टिकट नहीं दिया। अब सरकार यह दिखाना चाहते हैं, हमारे का आजाद निर्दल का हमने फॉर्म भरवाया, यह दिखाना चाहते हैं कि ये जीता के नहीं जीता है। बीजेपी सरकार ने तो ड्राइवरों के लिए कोई काम अच्छा किया ही नहीं, हर किसान के लिए, ड्राइवर के लिए, मजदूर के लिए, किसी के लिए कोई काम भला नहीं किया, कोई काम भला। किसान परेशान, ड्राइवर परेशान, मजदूर परेशान। और जी यही देखो, ये और पता क्या काम किया, काला काम जब चक्का जाम किया, जब इन्हें काला कानून को वादा किया, हम इसको वापस देंगे, वापस नहीं दिया, नहीं लिया वापिस अभी तक, नहीं लिया। नाम क्या अपना? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर, जाकिर साहब कहने लगे किसको समीकरण लग रहा हूँ की बार भाई? जावेद चौधरी, जावेद का करने जी। कितने वोटों से जिता दो जावेद? कम से कम 70,000। 70,000 वोटों से। नाम क्या अपना? नाम रईस अहमद। रईस क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे चौधरी साहब को किसी भी पार्टी ने टिकट ना दिया, पार्टी को चौधरी साहब को टिकट की जरूरत नहीं है जी। उस 36 बिरादरी ने जो उसको टिकट दिया, आजाद उम्मीदवार खड़ा करके उसका चुनाव चिन्ह बल्ले का है। इसे बड़ी बात बोलो, 36 बिरादरी ने टिकट दे दिया है जी? बड़ी बात नहीं, 36 बिरादरी का टिकट उसके पास है और अल्लाह चाहे तो उम्मीद है एक पूरी 36 बिरादरी का उसके साथ है, भारी बहुमत से जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। नाम क्या अपना? नाम हजरू है मेरा। हजरू जी क्या कहोगे? मैं यह कहूंगा चलो टिकट ना दे, उनने काय को देख के हमारे भाई भी वोट भी ज्यादा आई 90-95 वोट। फिर हमने यूं कही, भाई टिकट तो हमारी जेब है, हमारा हाथ में है, हमने चुन लियो, पहले हमने वोट दी भाई थोड़ी सी रह को तीसरे नंबर पे, और काय को ही टिकट ना दे। हम तो अब जावेद अहमद की बात है पूरी बिरादर सबकी, और भी नहीं है जो हमारी और बिरादर के भी कास्ट के रहते हैं वे भी हमारे साथ हैं, सब कुछ होगा, अच्छो काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। बीजेपी ने हमारो काम नहीं करो ना करो, अब तो चौधरी साहब हमारो ही है, हम यहाँ पड़े को वोट दे को दूसरे की बात नहीं। जावेद जी को टिकट नहीं दिया किसी पार्टी ने, क्या कहोगे? जावेद को टिकट नहीं भाई, पूरी जो हमारी 36 बिरादरी है उसमें देना था टिकट ही हो, क्योंकि भाई मारुटी में टिकट देना तो भाई दोनों शमसुद्दीन था और जावेद अहमद था। अगर सिचुएशन देखी जाए तो उसमें चौधरी जावेद अहमद है वो अव्वल नंबर पर, क्योंकि पिछली बार उसने 40,000 वोट ली थी और अब के मुसलमानों की 51,000 वोट है, लेकिन पार्टी ने हमें अनदेखा किया है, टिकट नहीं देते। लेकिन अब सभी पार्टियों को आप समझा दोगे मतलब? अब हाँ बिल्कुल, हम पार्टियों को ये दिखा देंगे कि भाई हमारा चौधरी जावेद अहमद को टिकट डालेगा, फिर भी देखिए जो वोट ले पाया हो। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ जी, अपने चाचा को अल्लाह ने चाहे तो 30,000 की लीड से जीता के लाएंगे। टक्कर किसे मांग? टक्कर हमारी से देखो जी, इंशाल्लाह कौन सा समय आता जी, अभी तो कोई समय ऐसा है नहीं। कैंडिडेट जावेद जो है ठीक है, और कुल मिला के ये हमारी इतनी वोट होते शराब है, हमको जो है टिकट नहीं मिला जाए, और जो है हम जो है इस वाह है कांग्रेस को भी हर वाह को याद दिखाएंगे भाई, जावेद जो है भाई
बड़ा कहनी और भाई अल्लाह बनाएगा और भाई वोट जाए सारी सब जाए 36 बिरादरी जाए वोट दे रही है हमने कहीं से कोई नहीं। तो देखिए ये थे मेरे साथ जावेद अहमद के कार्यकर्ता, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय।